नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और जो है लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो साथियों, आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है आज जो है मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक जो है बहुत बड़ी जो घोषणा की है उसी के बारे में आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की या हरियाणा पब्लिक कमीशन की जितनी भी जो भर्तियां हैं वो आज जो है प्रदेश में एक साल के लिए जो है नई भर्ती के ऊपर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके लिए जो है आज आदेश जारी किए हैं, तो उसी के बारे में जो है मैं आपके बीच ये बड़ी खबर लेके आया हूँ कि प्रदेश हरियाणा सर जो है राज्य के अंदर अब एक साल तक जो है कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो है इसी तरह की वीडियो का अपडेट जो आपके पास रेगुलर आता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को जो है इस न्यूज के बारे में पता चल जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज ये एक नए आदेश दिए है जो इंटरव्यू के अंदर टीवी चैनल पर कि प्रदेश में एक साल तक जो है नई भर्ती नहीं की जाएगी। तो हरियाणा में यहाँ आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, आज का ही जो है हरी भूमि अखबार है उसी में ये बयान आए हैं मुख्यमंत्री जी के। तो और ये टीवी चैनल के ऊपर भी उन्होंने खुद कहा था इसके बारे में। तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि नई कर्मचारियों की भर्ती एक साल के लिए रोक लगा दी गई। इसके साथ सरकार ने जितने भी कर्मचारी थी उनकी LTC की सुविधा भी साथ में बंद कर दी गई एक साल के लिए। और यह ऐलान जो है मुख्यमंत्री ने सोमवार को यहाँ पर किया है आज की तारीख में। तो उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा में कुछ अगले दिनों के लिए जो है परिवहन जो है ट्रांसपोर्ट भी शुरू करने के कुछ संकेत दिए हैं। तो ये बताया गया कि कोरोना के कारण जो पैदा हालात के कारण जो है एक साल के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है जिसके कारण जो है सरकार ने खर्चों में कटौती की है। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो भर्तियां पहले से चल रही है प्रोसेस में है वो भर्तियां तो चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी इसके अलावा नई भर्ती जो है यहाँ पर नहीं की जाएगी एक साल तक। तो ये आज की जो लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो इसी तरह की जो है लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहेगा डेली। जब भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर पाए। और इसी तरह की जो अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि वहां से भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट रेगुलर मिलती रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो है कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी को जो है इस बारे में जो है सूचना मिले कि अब एक साल तक कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। तो साथियों, ये कदम तो काफी जो है आप सभी के लिए बात काफी दुखदायी भी है, एक साल तक अब कोई भी भर्ती नहीं आएगी। काफी स्टूडेंट काफी दिनों से जो है तैयारी कर रहे थे, हरियाणा ग्राम सचिव की पटवारी की वैकेंसीज जो आने वाली थी उनके टेस्ट होने थे तो वो भी अब एक साल के लिए जो है रोक दिए गए हैं सभी के लिए। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी तैयारी में जुटी रहिएगा, ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।